तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म अपडेट्स में। तो आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ वो फिल्म साल 2021 के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में आया था। जी हाँ, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पुष्पा पार्ट टू के बारे में। पुष्पा पार्ट टू के कुछ नए नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं इसके सॉन्ग्स को लेकर, उसके बारे में मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सुकुमार सर के डायरेक्शन बनी फिल्म पुष्पा, इसका पार्ट वन जो था वो काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट रहा और लोगों को ये फिल्म भी काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं इसके पार्ट वन आने से पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था पुष्पा का पार्ट टू आएगा, जिसका टाइटल होगा पुष्पा द रूल, यानी कि पुष्पा पार्ट टू के एक टीजर को रिलीज किया गया था अल्लू अर्जुन सर के बर्थडे के दिन में। जी हाँ, टीजर आने के बाद पूरे सोशल मीडिया में एक तहलका मच गया, क्योंकि इस फिल्म का इंतजार पब्लिक काफी बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट का जो एंडिंग था वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे था। वहीं हम लोगों ने टीजर में देखा कि पुष्पा भाऊ जो है वो गायब हो चुके हैं। जी हाँ, टीजर में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि पुष्पा भाऊ का कोई किडनैप कर लिए हैं। बाकी कहानी क्या होगा वो तो हम सभी को पूरा फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म को लेकर काफी बड़े बड़े न्यूज निकल के आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पुष्पा पार्ट टू के अंदर हम सभी लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना, अक्षय कुमार का एंट्री हो चुका है पुष्पा पार्ट टू में और ये ऑफिशियल तौर पे कंफर्म हो चुका है। एक इंटरव्यू में सुकुमार सर ने कहा है कि मेरा जो बॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, जो मैं काफ़ी जिसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो है अक्षय कुमार, और उसको मैं अब पुष्पा टू के अंदर लेने वाला हूँ। बात करें अगर पुष्पा 2 के रिलीज डेट की, तो ये तो अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि पुष्पा पार्ट 2 हम सभी को 15 अगस्त के दिन, यानी कि 15 अगस्त 2024 के दिन देखने को मिलेगा। और इस डेट को एक और बड़े फिल्म बॉलीवुड का आ रहा है, जिसका टाइटल है सिंघम 3। जी हां, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम 3 जो है वो 15 अगस्त के ही दिन रिलीज होने वाला है, जिसके अंदर हम सभी को अजय देवगन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें हम सभी को पुष्पा पार्ट 2 का सॉन्ग कब से देखने को स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैं इस चैनल को स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने पुष्पा पार्ट 1 के एक सॉन्ग के अपडेट में काफी ज्यादा प्यार दिखाया था, जिसके कारण उस वीडियो में 1 मिलियन का व्यूज क्रॉस किया था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोग अच्छे से शेयर करोगे और पूरा देखोगे। बात करें इसके फर्स्ट सॉन्ग की, तो पुष्पा पार्ट 2 का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो हम सभी को एक लंबे इंतजार के बाद देखने को मिलेगा। जी हाँ, साल 2024 के अगस्त के स्टार्टिंग दिन में देखने को मिल सकता है पुष्पा पार्ट 2 के फर्स्ट सॉन्ग। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड है पुष्पा पार्ट 2 को देखने के लिए, आप लोगों को क्या लगता है पुष्पा पार्ट 2 के आइटम सॉन्ग में इस बार कौन से एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, कमेंट बॉक्स में एक बार हमें आप जरूर बताना। वहीं अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।